हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री एनाबेल क्रिएशन के बारे में। रिलीज हुई थी 2017 में और इसे आईएमडीबी ने दिया है 6.5 आउट ऑफ 10। मूवी की स्टार्टिंग में मलिंस टॉय कंपनी को दिखाते हैं, जहां मलिंस कपल सैमुअल एंड ईस्थर डॉल्स बनाया करते थे। घर के बाहर आउट हाउस में ही उनकी वर्कशॉप है। इनकी एक प्यारी सी बेटी बीबी है, प्यारा सा छोटा सा खुशहाल परिवार। एक दिन जब वो लोग चर्च से वापस आ रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। सैमुअल जब टायर चेंज कर रहे थे, एक स्क्रू निकलकर सड़क के बीच चला जाता है। बी जैसे ही उसे उठाने जाती है, तेजी से आ रही है एक कार उसे हिट कर देती है और मौके पर ही बी की मौत हो जाती है। कहानी शिफ्ट होती है 12 साल बाद। हम देख पाते हैं मलिंस ने अपने घर को एक ऑर्फनेज में बदल दिया था। वहाँ एक सिस्टर के साथ 6 लड़कियाँ आती हैं रहने के लिए। सभी बहुत एक्साइटेड थी, उन लोगों को अपना ये नया घर काफ़ी पसंद जो आया था। सैमुअल उन्हें पूरा घर दिखाते हैं। हम देख पाते हैं इन लड़कियों में एक लड़की जैनिस पैरालाइज है। सैमुअल ने जैनिस के लिए लिफ्ट बनवाया था ताकि वो आराम से ऊपर नीचे आ जा सके, और ये पहली बार था जब हम इस घर में एक अंधेरे कोने में किसी को देखते हैं। जैनिस भी किसी की प्रेजेंस महसूस कर पा रही थी। लड़कियों का बेडरूम काफ़ी अच्छा था। जैनिस और लिंडा रूम शेयर करते हैं और बाकी चारों लड़कियां दूसरे रूम में थी। वो सिस्टर भी यहीं रुकती है लड़कियों की देखभाल के लिए। सिस्टर शार्लेट भी अपने रूम में एक एलिवेटर कंपार्टमेंट देखती है। जैसे ही वो उसकी विंडो बंद करके वापस मुड़ती है, वो विंडो अपने आप ओपन हो जाता है। सिस्टर काफ़ी घबरा जाती है, मगर तभी वहाँ नैन्सी आ जाती है। वो सिस्टर शार्लेट से घर के बाहर जाने की परमिशन लेने आई थी। सिस्टर उन्हें जाने देती है। घर पर रह जाती है जैनिस। उनके रूम में कुछ डॉल्स रखी हुई थी। जैनिस खिड़की से उन लोगों को खेलते हुए देखती है। वो काफ़ी दुखी हो रही थी क्योंकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, मगर खेल नहीं सकती थी। हम देखते हैं उनके रूम के दरवाजे के पीछे से किसी को बाहर आते हुए, मगर जैनिस जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहाँ कोई नहीं था। रात में यहाँ अजीब चीज़ें शुरू होने लगती है। लड़कियों को उस घर में आए पूरा एक दिन हो चुका था, मगर किसी ने भी एस्थर को नहीं देखा था। दरअसल उस हादसे के बाद से एस्थर किसी से नहीं मिली, उसने खुद को अपने रूम में ही सीमित कर लिया है। इधर हम देख पाते हैं जैनिस और लिंडा एक दूसरे से बहुत क्लोज है, लाइक रियल सिस्टर्स, और वो चाहती भी है उन्हें कोई फैमिली साथ में अडॉप्ट कर ले। रात में जब जैनिस सोने की कोशिश कर रही थी, तभी कोई दरवाजे के नीचे से उनके रूम में एक नोट अंदर करता है। जैनिस जब उसे उठाती है, उस पर लिखा था फाइंड मी। जब जैनिस अपने रूम से बाहर आती है, वहाँ कोई नहीं था, मगर तभी बी के रूम के अंदर से एक और नोट बाहर आता है जिस पर लिखा था इन हियर, मगर वो रूम तो लॉक था। मिस्टर मॉलिंस ने उस रूम में जाने से सख्त मना किया था। जैनिस को लगता है नैन्सी या कैरल में से किसी की शरारत होगी। वो उन्हें आवाज़ भी लगाती है। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर जैनिस रूम के अंदर चली जाती है। रूम की चीज़ों को देखकर ही जैनिस समझ जाती है ये किसी बच्चे का रूम है। ढेर सारे खिलौने और एक प्यारा सा डॉल हाउस भी था। जैनिस को उसके अंदर से एक की मिलती है। वो उस रूम में मौजूद क्लोजेट की थी और उसके अंदर एक क्रीपी सी डॉल थी। जैनिस को वो डॉल अच्छी नहीं लगती, उससे अच्छी वाइब्स नहीं आती, एक नेगेटिविटी आती है, तो वो क्लोजेट बंद कर देती है और वापस जाने लगती है। मगर तभी क्लोजेट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। शायद वो डॉल खुद को आज़ाद ही करवाना चाहती थी और जैनिस ने ऐसा कर दिया था। जैनिस जितनी बार उस क्लोजेट को लॉक करती, वो वापस खुल जाता। अब ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। तब जैनिस उससे परेशान होकर एक कपड़ा उस डॉल के ऊपर डाल देती है। जैसे ही जैनिस वापस जाने लगती है, हम देख पाते हैं उस डॉल को अपनी जगह से खड़े होते हुए, एज इफ वो कोई इंसान हो। अचानक जैनिस उस डॉल को अपने पीछे देखती है। वो उसकी ओर बढ़ रही थी, मगर जैसे ही चादर गिरती है, उसके नीचे कोई नहीं था। तभी जैनिस को सीढ़ियों पर किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। ये मिस्टर सैमुअल थे जो चेक करने आए थे। उनके जाने के बाद हम देखते हैं जैनिस बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अगले दिन सिस्टर शार्लेट एक रूम को बच्चियों के लिए क्लासरूम बना रही थी, और तभी जैनिस वहाँ आती है अपनी गलती कन्फेस करने। वो उन्हें बताती है कल रात के बारे में, जिस पर सिस्टर शार्लेट यकीन नहीं करती। उल्टा जैनिस को समझाती है दोबारा बिना पूछे किसी के रूम में जाने से। इधर हम देखते हैं लिंडा को बाकी लड़कियों के बहकावे में आकर छुपने की जगह ढूंढते हुए। वो लोग उसे ढूंढने वाले नहीं थे, उन्होंने तो बस उससे पीछा छुड़ाया है। वो लोग तो बाहर मलिंस की वर्कशॉप को एक्सप्लोर कर रहे थे, मगर वहाँ रखा एक स्केयरक्रो देखकर वो लड़कियाँ डर जाती है, क्योंकि वो दिखने में किसी जिंदा इंसान जैसा लग रहा था।
इधर लिंडा स्टेयरकेस के नीचे बने कंपार्टमेंट में छुप जाती है, मगर उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि कोई उसे नहीं ढूंढने वाला। तभी लिंडा को वहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। चेक करने पर उसे वो डॉल दिखती है एक कोने में बैठी हुई। लिंडा के देखते ही वो अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है, जिससे डरकर लिंडा सीधे बाहर गिरती है। वो समझ नहीं पा रही थी अभी जो उसने देखा वो क्या था। इधर मिस्टर सैमुअल सिस्टर के रूम में मौजूद उस विंडो को रिपेयर कर देते हैं। हम देख पाते हैं रात में नैन्सी और कैरल ईस्थर को लेकर मजाक कर रही थी। वो लोग ब्लैंकेट के अंदर छुपकर मस्ती कर रही थी, तभी उन्हें ईस्थर के रूम की बेल सुनाई देती है, जिसे बजाकर वो सैमुअल को बुलाया करती थी। अचानक उनकी टॉर्च भी खराब हो जाती है और उन्हें दिखाई देता है ब्लैंकेट के बाहर एक साया। तभी एक क्रीपी फेस वाली लेडी नैन्सी पर हमला कर देती है। वो चीखने लगती है, मगर तभी एक लड़की रूम की लाइट ऑन कर देती है। वहाँ कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था, मगर इन शरारती लड़कियों को सबक जरूर मिल गया था कि किसी का मजाक उड़ाना गलत बात है। सिस्टर भी वहाँ जाती है, वो उन्हें सारी बातें बताती है, मगर तभी मिस्टर सैमुअल वहाँ आते हैं जो उन्हें बताते हैं उनकी बीवी यहाँ हो ही नहीं सकती क्योंकि वो चल नहीं सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कल रात के हादसे थे। नैन्सी और कैरल काफ़ी सहम सी गई है, कोई उनकी बात पर यकीन करे या ना करे, मगर जानिस करते थे क्योंकि जब से वो लोग इस घर में आए हैं जानिस सबसे ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें महसूस कर रही थी। मिस्टर सैमुअल टाउन गए थे, तभी ईस्थर बेल बजाती है। सिस्टर शार्लेट जाती है चेक करने, वो उन्हें पानी चाहिए था, सिस्टर उन्हें पानी देती है, मगर हमें ईस्थर का चेहरा नहीं दिखाया जाता, जो सिस्टर को भी अपना चेहरा नहीं दिखाती, वो अपने चेहरे पर मास्क पहनती थी। जैनिस बाहर कॉरिडोर में बी की फ़ोटो देखती है उसी डॉल के साथ, तो वो उस फोटो को अपने रूम में ले जाती है। जैनिस एक अजीब चीज़ नोटिस करती है, जब वो उस फोटो को अंधेरे में ले जाती है तो बी की आंखें चमकने लगती है और फेस भी डेमोनिक लगने लगता है। तभी जैनिस को बी के रूम से म्यूज़िक की आवाज़ आती है, वो अंदर जाकर म्यूज़िक बंद कर देती है। वहाँ लिंडा भी आती है, वो डॉल भी वहीं बैठी थी बेड पर। पहले तो उसका फेस दीवार की तरफ था, मगर अचानक वो लिंडा की तरफ घूम जाता है, जिससे देखकर लिंडा को तो गूज़बम्स आने लगते हैं। वो बाहर भाग जाती है, मगर जैनिस वहाँ बी की डायरी देखती है। तभी उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। जैसे ही जैनिस वापस जाने लगती है, वो देखती है वहाँ मौजूद टॉयस खुद ही मूव करने लगते हैं, इवन डॉल हाउस की लाइट्स भी ऑन हो जाती है। तभी उसे इन रियलिटी बी की आत्मा दिखाई देती है। जब जैनिस उससे पूछती है उसे क्या चाहिए, तो वो जैसे ही पलटती है हम समझ पाते हैं कि वो बी की आत्मा नहीं बल्कि एक खतरनाक डीमन है जिसे जैनिस की रूह चाहिए थी। वो जैनिस पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से जैनिस उस रूम से बाहर निकलती है, मगर वो जिस भी रूम में जाने की कोशिश करती है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता, सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, पूरे हॉलवे में एक डार्कनेस छाने लगती है, काला धुआं हर तरफ फैल जाता है। जैनिस लिफ्ट से नीचे जाने लगती है, मगर बीच में ही लिफ्ट वापस ऊपर आने लगती है। जैनिस बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, और वो देखती है सीढ़ियों के ऊपर बी की आत्मा को, मगर जब जैनिस की लिफ्ट ऊपर पहुंचती है वहाँ कोई नहीं था। अचानक कोई अनसीन फोर्स उसे ऊपर खींच लेता है, मगर कहाँ वो हमें दिखाया नहीं जाता। सीन शिफ्ट होता है बाकी लोगों पर जो आराम से सो रहे थे। अचानक जैनिस ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरती है। इस हादसे की वजह से जैनिस पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी थी, अब वो व्हीलचेयर पर आ गई थी। वो फिर कभी चल नहीं पाएगी, चल पाएगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। सिस्टर सभी लड़कियों को जैनिस का ख्याल रखने बोलती है। घर आने के बाद वो सिस्टर को वॉर्न करती है अपने साथ हुए हादसों के बारे में। उसने जो नेगेटिविटी फील की है उसके बारे में सिस्टर को बताती है। इस बार सिस्टर उसका यकीन करती है। हम देख पाते हैं सैमुअल और ईस्थर कुछ तो जानते हैं मगर बताना नहीं चाहते। इधर लिंडा जैनिस की ताकत बनने की कोशिश कर रही थी, मगर जैनिस काफ़ी वीक हो गई थी अपने मन से, और बुरी आत्मा इमोशनली वनरेबल लोगों का ही तो फायदा उठाती है, उन्हीं को तो टारगेट करती है, आखिर इन्हीं से तो उन्हें शक्ति मिलती है। बुरी आत्माओं से निपटने के लिए ताकतवर शरीर की नहीं बल्कि ताकतवर मन की ज़रूरत होती है। ये बात जैनिस को समझनी होगी। जैनिस को नीचे ही सुलाया जाता है। लिंडा अपने रूम में सोने चली जाती है। जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे की डॉल एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि उन्हें अकेला फील ना हो। लिंडा जब ऊपर जाती है उसे बी के रूम में अजीब आवाज़ें आती है। की होल से देखने पर उसे वो डॉल दिखती है रोलिंग चेयर पर झूलते हुए। जैसे ही लिंडा दरवाज़ा खुलकर देखती है वहाँ कोई नहीं था। बेचारी लिंडा इतना घबरा जाती है कि अपने रूम में जाकर टॉय गन लेकर बैठ जाती है। दरवाज़ा खुला था मगर बाहर काफ़ी अंधेरा था। अचानक लिंडा को किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं जो बड़ी तेज़ी से उसके रूम की तरफ ही आ रहे थे।
लिंडा दौड़कर अपने बेड पर चढ़ जाती है। अचानक उसके कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है और लिंडा को दिखते हैं फुटप्रिंट्स जो जेनिस के बेड की तरफ जा रहे थे। जब लिंडा देखती है तो जेनिस के बेड पर वही डॉल थी। बेचारी लिंडा की तो डर से सांसें थम रही थी। इस सब में वो कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह सिस्टर जेनिस को बाहर घुमा रही थी। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है जेनिस काफी हताश हो चुकी है, मन से पूरी तरह हार चुकी है। उसे ऐसा लगने लगा है वो कभी पहले जैसी नहीं होगी, मगर सिस्टर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। तभी ईस्टर की बेल की आवाज़ आती है। सिस्टर जाती है चेक करने और जेनिस कुछ देर धूप में ही बैठी थी। अचानक जेनिस की कुर्सी पर जोर का झटका लगता है। तभी वो शैतान सिस्टर शार्लेट के भेष में आकर जेनिस को पास ही मौजूद फार्म हाउस में लेकर जाता है, जमीन पर पटक देता है। जेनिस डर के मारे चीखने लगती है, मदद के लिए पुकारने लगती है। वो शैतान जेनिस की कमजोर इच्छा शक्ति का फायदा उठा रहा था। जेनिस वहां बनी शेड के अंदर छुप जाती है, मगर तभी उसे बी की आत्मा पकड़ लेती है और उसके मुंह में काले रंग का लिक्विड डाल देती है और हम समझ पाते हैं कि उस शैतान ने जेनिस को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि जेनिस ने ही उसे ये मौका दिया है। खुद को कमजोर करके, खुद की इच्छा शक्ति को कमजोर करके उसने खुद उस शैतान को अपने अंदर इन्वाइट किया है। इधर लिंडा और सिस्टर उसकी चीख सुनकर वहां पहुंच जाते हैं, मगर हम देखते हैं जेनिस अपनी कुर्सी पर बैठी थी एकदम ठीक, मगर लिंडा को जेनिस में कुछ तो अलग लगता है। वो अपने मन की बात उसी रात बाकी लड़कियों से शेयर करती है। इस पॉइंट पर बाकी सभी तो एग्री करते हैं कि घर में कुछ गड़बड़ है, मगर कैरल नहीं। उसे लगता है जेनिस अटेंशन पाने के लिए सब कर रही है। उस रात और कुछ नहीं होता। अगली सुबह लिंडा घर के बाहर बैठी थी, तभी सैमुअल वहां आते हैं। लिंडा वही सारी बातें मिस्टर सैमुअल को बताती है कि जेनिस ने आपकी बेटी का भूत देखा है। वो उन्हें डॉल के बारे में भी बताती है, जिस पर सैमुअल भड़क जाते हैं। वो कहते हैं उन्होंने तो उस डॉल को छुपा दिया था। फिर वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं वो डॉल डाइनिंग रूम में बैठी थी और उसके पास एक नोट रखा था जिस पर लिखा था फाउंड यू। तभी सैमुअल देखते हैं जेनिस वहाँ आती है और हैरानी की बात तो ये थी कि वो अपनी व्हील चेयर से उठकर चलने लगती है और जैसे ही थोड़ा पीछे हटती है वहाँ घना अंधेरा छा जाता है और जेनिस की आंखें चमकने लगती है। देखते ही देखते जेनिस उस शैतान का रूप ले लेती है। सैमुअल उसे होली क्रॉस दिखा कर रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो शैतान उनके शरीर की एक एक हड्डी पसली तोड़ देता है। उनके चिल्लाने की आवाज़ सिस्टर शार्लेट सुन लेती है जो बाहर लड़कियों के साथ गाड़ी से सामान उतार रही थी। वो लड़कियों को वहीं रुकने को बोलकर खुद अंदर जाती है। अंदर डाइनिंग रूम में उन्हें सैमुअल की लाश मिलती है जिसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। वो उनकी लाश को ग्रेवयार्ड भिजवा देती है। रात में सिस्टर जाती है ईस्टर से बात करने और लिंडा कहीं ना कहीं समझ पा रही थी इस सब के पीछे जेनिस ही है। जेनिस उस डॉल को लेकर बाहर बैठी थी और अंधेरे में वो काफ़ी डरावनी लग रही थी। रात में जब जेनिस सो रही थी, लिंडा उसके पास जाती है और चुपके से उस डॉल को वहां से ले जाती है। इधर सिस्टर शार्लेट अपने रूम की विंडो से लिंडा को घर के बाहर जाते देख लेती है। लिंडा को अपने पीछे किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं, मगर जब वो मुड़कर देखती है वहाँ कोई नहीं था। लेकिन लिंडा महसूस कर पा रही थी तो वो जल्दी से उस डॉल को कुएं में फेंक देती है। ये करते हुए उसे सिस्टर देख लेती है, मगर तभी वो शैतान लिंडा को कुएं के अंदर खींचने लगता है। लकीली सिस्टर वहाँ थी, वो उसे बचा लेती है और जल्दी से उस कुएं को ढक देती है। आज सिस्टर शार्लेट ने भी सच को देख लिया था, अब और कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी वो डॉल उस कुएं से बाहर आने की कोशिश करने लगती है। सिस्टर और लिंडा दौड़कर घर आते हैं। जब लिंडा जेनिस को बताने जाती है तो वहाँ जेनिस नहीं थी, वो डॉल थी। सब लोग जेनिस को ढूंढने लगते हैं तो सिस्टर जाती है उस डॉल को लेकर ईस्टर के पास। ईस्टर उसे देखते ही डर जाती है और यहाँ रिवेल होता है इस कहानी का सबसे बड़ा सच। बात उस वक्त की है जब उन लोगों ने बी को खो दिया था तो उन्होंने शैतान से प्रार्थना की उनकी बेटी से मिलवाने की। धीरे धीरे उनकी मुलाकात बी से होने लगी। वो दोनों बहुत खुश थे, उन्हें उनकी बेटी जो वापस मिल गई थी, मगर वो नहीं जानते थे शैतान कोई भी सौदा बिना अपने फायदे के नहीं करते। एक दिन उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें बी अपनी डॉल एनाबेल के अंदर आना चाहती थी ताकि वो उन लोगों के साथ रह सके। बेटी के प्यार में अंधे होकर उन्होंने उसे परमिशन दे दी, मगर वो नहीं जानते थे कि ये शैतान की चाल थी इस दुनिया में आने के लिए, जिससे वो कामयाब भी हुआ। वो उन्हें बी को दिखाने लगा था। वो लोग तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी वापस आ गई है, मगर जल्द ही ईस्टर को समझ आने लगा वो बी नहीं है बल्कि शैतान है।
एक दिन उसकी परछाई ईस्थर ने आईने पर देखी। ईस्थर उस शैतान को भगाना चाहती थी, मगर शैतान से पीछा छुड़ाना इतना आसान कहाँ। एक दिन जब सैमुअल घर वापस लौटा तो उसे ईस्थर की चीख सुनाई देती है। उस शैतान ने ईस्थर का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। वो उस शैतान को भगा तो नहीं सके, इसलिए उन्होंने उस शैतान को स्टॉल के अंदर कैद करके चर्च की मदद से उस क्लोजेट में बाइबल के पन्नों के बीच कैद कर दिया था, जिसे अपने अनजाने में जैनिस ने आजाद कर दिया था। ईस्थर को अपनी गलती पर पछतावा था। इधर वो लड़कियां जैनिस को ढूंढ लेती है। वो बी के रूम में थी, जैसे ही वो उसे आवाज लगाती है जैनिस चाकू सुन पर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाकर सिस्टर के पास भागती है। सिस्टर ने पुलिस को कॉल करके किसी सेफ जगह छुपने को बोलती है, मगर तभी उन लड़कियों को ईस्थर के बैल की आवाज आती है। वो जाती है उनके रूम में, मगर वहां जो वो देखती है उसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। चीखें निकल जाती है। उस शैतान ने ईस्थर का आधा शरीर काटकर उसे दीवार पर टांग दिया था। लड़कियां वहां से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं लिंडा और टेरनी को एक रूम में छिपे हुए। वहां सिस्टर शार्लेट भी आती है, मगर तब तक जैनिस भी वहां जाती है। सिस्टर प्रेयर करने लगती है, मगर वो शैतान इतना ताकतवर था उस पर कोई असर नहीं होता। वो सिस्टर को हवा में लटका देता है और फिर पास के आईने पर पटक देता है। सिस्टर बेहोश हो जाती है। वो दोनों लड़कियां भागने की कोशिश करती है, मगर वो शैतान लिंडा को अंधेरे में खींच लेता है और टेरनी वहां से भाग जाती है। इधर लिंडा तब तक एक कमरे में घुसकर खुद को लॉक कर लेती है। इधर वो लड़कियां भागकर गाड़ी तक तो पहुंच जाती है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। कैरल देखती है वो स्केयर क्रो जिंदा हो रहा था। तब तक टेरनी भी वहां जाती है। सीन शिफ्ट होता है लिंडा पर, जो खिड़की से निकलने की कोशिश करती है, मगर खिड़की नहीं खुलती। तो लिंडा वो एलिवेटर विंडो ओपन करती है। इधर वो लड़कियां छुपने के लिए फार्म हाउस जाती है, मगर जैसे ही कैरल अंदर जाती है उसका दरवाजा बंद हो जाता है। वहां स्केयर क्रो था, वो भी दीवार पर ऐसे ही टांगा था जैसे ईस्थर टंगी थी। वहां लगे लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और एक एक करके बंद होने लगते हैं, और वो स्केयर क्रो शैतान में बदल जाता है। वहां अंधेरा इतना घना था कि कैरल बहुत कोशिश करती है खुद को बचाने की। फाइनली नैन्सी आकर उसे बाहर निकाल लेती है। इधर लिंडा एलिवेटर से नीचे आ जाती है, मगर वो शैतान अभी तक उसके पीछे पड़ा था। बड़ी मुश्किल से लिंडा बाहर निकल पाती है। जब वो नीचे देखती है जैनिस उसकी डॉल को मार रही थी। उससे बचने के लिए लिंडा उसी क्लोजेट में छिप जाती है जहां वो डॉल बंद थी। जैनिस इसी रूम में से ढूंढ रही थी। अचानक जैनिस क्लोजेट खोलकर उसे बाहर निकाल लेती है। वो उसे मारने ही वाली थी तभी सिस्टर शार्लेट वहां जाती है। वो उन्हें मारने दौड़ती है, मगर सिस्टर उसके गले में पवित्र माला डालकर एनाबेल के साथ उसी क्लोजेट में बंद कर देती है और दरवाजे को एक भारी अलमारी से ब्लॉक कर देती है। अचानक पूरे घर में भूकंप आने लगता है, सब सामान टूटने लगता है, इधर से उधर गिरने लगता है। सिस्टर लिंडा को लेकर बाहर भागती है। बाहर सारी लड़कियां थी। अचानक उस घर के सारे बल्ब टूट जाते हैं, मगर लकीली तब तक पुलिस आ चुकी थी। उन्हें क्लोजेट के अंदर एनाबेल तो मिलती है, पर जैनिस नहीं। अगली सुबह फादर आकर पूरे घर को ब्लास्ट करते हैं। उस डॉल को पुलिस ले जाती है और सारे बच्चे सिस्टर शार्लेट के साथ वापस वहीं चले जाते हैं जहां से आए थे। बस लिंडा बहुत दुखी थी। उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त को, अपनी बहन को जो खो दिया था, काफी ढूंढने पर भी उन्हें जैनिस का कुछ पता नहीं चलता। और कुछ दिनों बाद हम जैनिस को एक ऑर्फनेज में देखते हैं। एक कपल उसे गोद लेने आया है, जिन्हें वो अपना नाम एनाबेल बताती है, और उसकी टांगे भी अभी और खराब नहीं थी। वो पूरी तरह अपनी टांगों पर चल सकती थी। तो क्या अब यह शैतान इन लोगों की जिंदगी तबाह कर देगा? और इस चीज का सबूत हमें थोड़ी ही देर में मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है 12 साल बाद, जहां एनाबेल अपने पागल बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को मार देती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। पर्सनली मुझे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप भी बताएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी बुरी चीज़ हम पर तब हावी होती है जब हम मन से कमज़ोर होते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति को कभी मरने मत दीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।